हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फाई स्टडी स्टूडियोज विच इज पार्ट वन अकेडमी। तो आज फिर से अगर मैं देखूं जो पांचवें फेज का एग्ज़ाम एनालिसिस है वो तो चल पड़ा, वो तो शुरुआत हो गई आज से। तो इस पांचवें फेज में क्या लगता है आपको कि सवाल के सिलसिले जो रेलवे का पुराना इतिहास है क्या वही है या फिर कुछ नया है? जरा आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या लगता है आपको कि वही सारे पुराने घिसे पिटे सवाल दिखेंगे रेलवे के या फिर कुछ नया पूछा होगा इस बार। गाइस एनी आइडिया, बता सकते हो कि वही घिसे पिटे सवाल होंगे या फिर कुछ नया होगा? मुझे लग रहा है कुछ नया पूछा है इस बार कुछ नया पूछा है। और मैं बताऊं कि अगर जो बच्चे रेगुलर होंगे मेरे से पर रेगुलर पढ़ रहे होंगे कॉन्टिन्यू, तो उनको एक आइडिया लग गया होगा कि सब घिसा पीटा आ रहा है। देखो अरुण पाल कह रहे हैं 30 प्लस करके आएंगे, वही है, न्यू है। ओके, आइडिया बताओ क्या हो सकता है, पुराने होंगे या फिर कुछ नए होंगे? दीपक जी, आप सवाल देखने आए हो कि मेरे बाल देखने आए हो? बता दो जरा, आप बेटा पढ़ने आए हो ना, आ जाओ आगे। तो 4 मार्च 2021 की बात करें, यानी आज फर्स्ट स्टेप के जो सवाल हैं, मजेदार सवाल है बिल्कुल, कुछ नए सवाल, कुछ पुराने सवाल, यानी कह दें कि रेलवे का जो पुराना ढर्रा है ना वही सारे हैं, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है। आओ देखें, जिन बच्चों का CBT 1 हो गया है वो CBT 2 की तैयारी करें, और जो ग्रुप डी, तो मैं बताऊं आपको कि अनअकैडमी पे प्लस पे मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ PYQ, यानी मंडे टू फ्राइडे क्लास है आपकी। तो मंडे टू फ्राइडे में मैं बता दूँ कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन थ्योरी पढ़ेंगे डिटेल में, और थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन PYQ, जिससे आप थ्योरी भी पढ़ पाओगे और PYQ भी। तो ज्वाइन जरूर करें अनअकैडमी पे। अगर मैं फी की बात करूँ ना तो 2 साल का 3600 है, 6000 था, 3600 हुआ है। रेफरल कोड लगाएंगे Baba10, ये घटकर 3240। आप रेगुलर मेरे से क्लास करते हो ना, आज 7-5 पे भी है, तो फिर 10% का फायदा होगा, यानी कह सकते हैं कि 3000 रुपये में आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, है ना। तो ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ अनअकैडमी पे, बहुत बहुत फायदा होगा बच्चे। ये सीरीज देख लेना कि PYQ मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थ्योरी और 2 दिन PYQ है। देखो आगे, और अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप रेफरल कोड Baba10 लगाकर ज्वाइन कर सकते हो बच्चे, ठीक है। अब ये देखो, उन बच्चों को फायदा होगा जो दिन के एग्जाम है, बिल्कुल 2 घंटे का महामैराथन, या कहते हैं 2 घंटे का भंडारा, आपको आना है उस भंडारे में, क्या पढ़ाने वाला हूँ देख लो। कि अभी आप देखोगे रेलवे में तो सबसे ज़्यादा सवाल आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री जितने सारे सभी चैप्टर एक क्लास में क्या पढ़ेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, 1857 का रिवोल्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और गांधी युग। यानी लगभग मैं बताऊं बच्चे कि ये 200 प्लस सवाल होंगे, लगभग 200 प्लस सवाल होंगे। ये क्या होंगे, लगभग 200 सवाल होंगे। तो याद रख लेना, कब, कल 5 मार्च को रात 10 बजे, कहां पे, वाईफाई स्टडी चैनल पे, कहां पे, ठीक है। यहीं से आप देखोगे तो कम से कम 3 से 4 सवाल आपको यहीं से दिखेंगे, 3 से 4 सवाल आप यहीं से बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ आगे, सवाल नंबर 1 ये देखो, नया सवाल पूछा है, वेयर इज यूएनओज हेडक्वार्टर, यूएनओ का मुख्यालय कहां है।
देख रहे हो कोई नया सवाल है? यानी मैंने क्या कहा, मैंने पहले ही कहा कि यूएन आईएनसी गांधीयन एरा भारत रत्न राजीव गांधी खेल रत्न नेशनल पार्क ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो रेगुलर सवाल बन रहे हैं, रेगुलर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क यूएस में। यूएनओ की बात करें 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना, 24 अक्टूबर को यूएन डे। अगर मैं बात करूं परमानेंट मेंबर्स की तो 5 और टेम्पररी मेंबर्स की तो 10, जिसके कार्यकाल 2 साल होते हैं और ये परमानेंट है तो अस्थाई है। 5 कौन मेंबर हैं? तो फ्रेश फ्रांस रसिया अमेरिका चाइना और इंग्लैंड। भारत लैंग्वेज की बात करेंगे तो 6 लैंग्वेज कौन कौन सा बच्चे? फ्रेश आचार यानी फ्रेंच स्पैनिश अंग्रेजी अरबी चाइनीज रशियन। टोटल सदस्य की बात करें 193 कौन हैं? तो साउथ सूडान देख लो। हाँ आनंद बहुत बढ़िया, भारत आठवीं बार सदस्य बनकर आया है ना। हु इज नोन एज दीनबंधु? दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी दीनबंधु के नाम से किसे जानते हैं बता दो बच्चे। हु इज नोन एज दीनबंधु? दीनबंधु के नाम से किसे जानते हैं? अब देखो दो चीजें हैं, सी एफ एंड्रयूज को हम दीनबंधु देशबंधु अगर कहते तो है ना, अगर देशबंधु होता तो हम चितरंजन दास सियारदास लगाते। क्या पूछा है? दीनबंधु पूछा ना कि देशबंधु पूछा, समझना। जिनको भी लग रहा है ना कि सियारदास होगा वो देशबंधु है, क्या है वो? देशबंधु है, है ना। तो ये समझना अंतर क्या है देशबंधु और दीनबंधु में। बच्चे ये दीनबंधु पूछा है, देशबंधु नहीं। दीनबंधु सी एफ एंड्रयूज यानी चार्ल्स फुर एंड्रयूज। और एक सवाल आता है देशरत्न, बच्चे देशरत्न ये कौन है? देशरत्न अजात शत्रु गांधी, कहाँ गांधी? बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद। आ रही बातें समझ में? एक सवाल और बनेगा कि सर सी एफ एंड्रयूज को दीनबंधु उपाधि किसने दी थी? तो चार्ल्स फुर एंड्रयूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता था, उन्हें यह नाम भारतीय स्वतंत्रता के प्रति उनके योगदान के लिए महात्मा गांधी द्वारा दिया। क्लियर है समझ में आ गया है ना, आ गया। अच्छा फाइनेंशियल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड बाय होम? वित्तीय साक्षरता दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? सवाल नंबर नेक्स्ट, क्या होगा बच्चे? आरबीआई। अब देखो वित्तीय साक्षरता ना एक सप्ताह का सप्ताह एक केंद्रित अभियान के माध्यम से एक जागरूकता अभियान है। ये क्या है? जागरूकता अभियान है जो कौन लाती है? आरबीआई लाती है। आरबीआई से कल पूछा था, आपको याद होगा कि 1934 के एक्ट से इसकी स्थापना की गई, 1935 में स्थापना, 1937 तक कलकत्ता हेडक्वार्टर, इसके बाद बम्बई हेडक्वार्टर।
बम्बई हेडक्वार्टर है, क्या है बम्बई हेडक्वार्टर है ना। आगे बिम्स्टेक संगठन की स्थापना कब हुई और इसके सदस्य सदस्य कितने हैं। एक साथ दो सवाल है, क्या सवाल है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है और इसके टोटल मेंबर कितने हैं, बताइए जल्दी। 5:40 पर क्लास क्यों नहीं लग रही है सर। बच्चे 5:40 पर क्लास कल से लगेगी रेगुलर, है ना। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम था तो डॉक्टर ने कहा कि अभी क्लास कम लीजिए, इस कारण से आपकी 5:40 वाली क्लास रेगुलर नहीं हो रही है। 7 बजे क्लास, 7:05 पे क्लास हो रहा है तो 5:40 पे क्लास बिल्कुल लगाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा कोऑपरेट करो मुझे आप, है ना, थोड़ा सा साथ दो। तो बच्चे 6 जून 1997 को और 7 मेंबर हैं, ये आपके सामने है, ये आपके सामने है ना। तो 6 जून 1997 को स्थापना होता है और 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य? 7 सदस्य हैं। अब एक चीज और देख सकते हैं, देखना, 7 मेंबर है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछता है कई बार, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसके फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म देख लेना, फुल फॉर्म देख लेना। 7 सदस्य में से 5 बच्चे साउथ एशिया से हैं, 5 साउथ एशिया से। कौन कौन साउथ एशिया से हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, और 2 साउथ ईस्ट एशिया से हैं, म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड। एक सवाल और बनेगा, ये तो मेंबर हो गया कौन कौन है, एक सवाल और बनेगा बच्चे कि सर हेडक्वार्टर कहाँ? ढाका। आसियान का जकार्ता है, कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे आसियान का कहाँ, आसियान का जकार्ता इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, आधिकारिक भाषा की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी है, हिंदी और अंग्रेजी है। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ गया तो जरा थंब दिखा देना, बिल्कुल सर क्लियर है यहां तक, ठीक है आगे जी। अब देखो कैपेसिटी ऑफ फ्लॉप डिस्क याद करो, ये लगा के आई थिंक मुझे लगता है कि 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, ये 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। तो फ्लॉपी डिस्क की क्षमता की बात करेंगे ना, कितने 1.44 MB, ये है देख लो 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी है ना। क्या बच्चे? तो उच्च घनत्व वाले फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को अब सवाल बनता है सर पहली बार कब लाया गया था, तो 1995 में ये लॉन्च किया गया था, 1995 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था बच्चे? 1995 में ये लॉन्च हुआ था। और आज तो मत बोलो, आज तो इतने मतलब MB क्या, GB, TB, पता ना टेराबाइट, पेटाबाइट क्या क्या आ गया है ना। एक सवाल बनेगा कि ये प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, तो फ्लॉपी डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। क्या बच्ची? सेकेंडरी मेमोरी है। क्या ये सेकेंडरी मेमोरी है? बिल्कुल याद रखना, है ना। अब देखो मैंने क्या कहा कि UNO और INC ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो रेगुलर सवाल है। अब देख लो मिथिलेश बहुत बढ़िया, सेकेंडरी मेमोरी क्या बात है, सुरजीत क्या बात है, रश्मि बहुत बढ़िया। अब देखो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, देख लो कितनी बार पढ़ाया है, 7 मार्च को है, बहुत बढ़िया। चांदनी कल रात में 10 से 12 वाली क्लास जरूर करना वाईफाई स्टडी पे, ठीक है। देखो इस सवाल के जवाब कैसे होंगे, 1946 में मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस समय जे बी कृपलानी अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन 1947 में चुनाव नहीं होता है, और जब चुनाव नहीं होगा तो अध्यक्ष यही कंटिन्यू रह जाते हैं, यही अध्यक्ष कंटिन्यू रह जाते हैं। अरे बातें समझ में, यही अध्यक्ष, जब यही अध्यक्ष कंटिन्यू रहेंगे, यही साहब अध्यक्ष कंटिन्यू रहेंगे, एक सवाल बनेगा कि आजादी के बाद पहली बार कब, तो 1948 में,
1948 में कहाँ पे, जयपुर में, कौन, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या मैं बताना चाह रहा था, है ना। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, विच इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। और याद रखना आज रात 10 बजे, आज रात 10 बजे हम लोग फंडामेंटल राइट देख रहे हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है। और 7:05 पे, 7:05 पीएम पे, अनअकैडमी पे करंट अफेयर्स, याद रखना, ठीक है। तो भारत का सबसे पुराना बांध की बात करें तो सबसे पुराना बांध बच्चे ग्रैंड एनीकट, ग्रैंड एनीकट पुराना बांध, सबसे पुराना बांध, मतलब सोचो आज़ादी के पहले की बात करता है। जबकि अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1948 में की गई है, जिसका मुख्यालय कोलकाता है, कोलकाता है, जो देखें तो ये टेंसी प्रोजेक्ट, यूएसए का टेंसी प्रोजेक्ट के आधार पे। लेकिन ये सवाल पूछ रहा है सबसे पुराना बांध, ये सवाल पूछ रहा है सबसे पुराना बांध कब किसकी, समझते हैं, आ जाओ। इस बांध का निर्माण कब कराया गया, चोल वंश के राजा करिकाल चोल के द्वारा। क्या बात है पार्थ, झंडा गाड़ दिया, बहुत बढ़िया। और याद होगा जो बच्चे मेरे से रेगुलर क्लास कर रहे हैं, स्पेशल क्लास में मैं ये पढ़ा चुका हूँ, स्पेशल क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल याद होगा आपको। अगर आप रेगुलर होंगे तो आपको याद होगा मैं ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो चोल ने दूसरे शताब्दी में किया था इस बांध, कहाँ, कावेरी नदी पर है, कहाँ है, कावेरी नदी पर है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। कावेरी नदी को क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, और गोदावरी को दक्षिणी गंगा, गोदावरी को दक्षिणी गंगा या दक्षिण गंगा, याद रखना, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, दिशा एप्लीकेशन जो है, ऐप है, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, दिशा ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जल्दी। तो विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड दिशा ऐप, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री, दूरसंचार मंत्रालय, किसने किया है, दूरसंचार मंत्रालय ने, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। 86 में 8-9, बिल्कुल नितेश, बिल्कुल होगा, बहुत है यार, बहुत है। तो दूरसंचार मंत्रालय, जरा बता दो दूरसंचार मंत्रालय कौन है, रविशंकर प्रसाद है क्या, रविशंकर प्रसाद है क्या, पटना साहिब, जरा अगर हाँ तो थंब दिखा देना, बिल्कुल अगर हाँ तो थंब दिखा देना, बिल्कुल, ठीक है, ठीक ना। आगे देखो, हाल ही में भारत और फ्रांस ने किस मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए हैं, ये थोड़ी सी अलग सवाल दिखा है, ये अलग सवाल दिखा है, जल्दी, यस, तो रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, अक्षय ऊर्जा सहयोग, अक्षय ऊर्जा सहयोग, ठीक है। आगे देखो, अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुई है, व्हेन वाज अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड, अटल पेंशन योजना, नहीं बच्चे बिल्कुल आसान है, कोई टफ नहीं है, आसान से आप 25 से 28 सवाल करके आओगे, 30 सवाल, है ना। तो बच्चे अटल पेंशन योजना की बात करें, ये 2015 में लॉन्च हुआ था। तो जो मैंने क्लास कराए थे योजना वाली, इंपॉर्टेंट योजना, पिछले फ्राइडे को ये पीडीएफ जरूर देख लेना,
पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, है ना। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, देखो स्वावलंबन योजना भी बोलते हैं, बिल्कुल बताओ बच्चे। तो भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ, पहले ये समझते हैं कि 2-3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटा, 1984 को यह घटना घटा। अब जरा बताओ कि 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। कंपनी का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड, कैसे कंपनी थी, तो कीटनाशक कंपनी, कीटनाशक का निर्माण करती थी, कीटनाशक का निर्माण करती थी, है ना, कीटनाशक का निर्माण करती थी, बिल्कुल याद रखना। देखो आस्था ने बता दिया सबसे बढ़िया, नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कंप्यूटर अवेयरनेस डे तो है ही, बहुत बढ़िया आस्था, पॉल्यूशन कंट्रोल डे, क्या बात है, पॉल्यूशन कंट्रोल डे, है ना, ठीक है। अगे देखो तो क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, बच्चे याद रखना। कौन सा एक पौधे का विकास हार्मोन है, मतलब हार्मोन से सवाल पूछा है और पूछा है कि पौधे के विकास में कौन सा हार्मोन मददगार होता है, तो कौन सा होगा, ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स कौन होगा, ऑक्सिन्स होगा, क्या बात है, कुमार पुरुषोत्तम, बहुत बढ़िया, क्या बच्चे, ऑक्सिन्स। जिब्रेलिन बच्चा, जिब्रेलिन मददगार नहीं होता है, सड़े हुए पत्ते टूटते हैं उससे, है ना, तो याद रखना ऑक्सिन्स, क्या होगा, ऑक्सिन्स, ठीक है। द डुरंड लाइन इज बिटवीन विच कंट्री, डुरंड रेखा किस देश के बीच है, देखो बहुत बढ़िया आदि, तो डुरंड रेखा का आपको याद होगा बच्चे कि पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच था, सॉरी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच था, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन अब जब भारत का बंटवारा हो गया तो इंडिया के जगह पे कौन आ गया, इंडिया के जगह पे आ गया पाकिस्तान। मैकमोहन की बात कल पढ़ाया है, अगर आप कल क्लास किए होंगे तो मैं बता दूं, मैकमोहन, मैकमोहन किसके बीच, चाइना एंड इंडिया, रेड क्लिफ किसके बीच, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये मुख्य रूप से है ना, ये मुख्य रूप से है। आगे देखो तो आप देख सकते हो कि डुरंड रेखा कब, 1893 में हिंदू कुश में स्थापित सीमा अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच था, लेकिन आधुनिक समय में जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डिसाइड करती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डिसाइड करती है, बिल्कुल याद रखना। आगे देखो, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, नित्य निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, LEC भी, हाँ अंकित, अनिकेत, हाँ बिल्कुल सही। अब देखो एक है LEC और एक है LOC, LOC इंडिया और पाक, इंडिया एंड पाकिस्तान, और लाइन एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो इंडिया एंड चाइना, है ना, तो ये किसे लिया गया, आयरलैंड से, आयरलैंड से, भाग चार में है, आर्टिकल 36 से 51, आयरलैंड किससे लिया है, स्पेन से, ये किससे लिया है, स्पेन से लिया है,
ठीक है, ये किससे लिया है, स्पेन से लिया है, बिल्कुल याद रखना। तो ये था आज का सेशन, और यहाँ मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, जिससे आपको जो आपका पेपर है कल, कम से कम एक आइडिया लगेगा, है ना। तो आर यू रेडी गाइस, तैयार हो ना सब। देखो, पहला, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, दैट मीन्स MSME, MSME का फुल फॉर्म क्या होगा ये समझ लो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट वॉज पास्ट इन द ईयर, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। सवाल नंबर नेक्स्ट, जल्दी बता दो क्या होगा। तो कब बच्चे, 2006 में। अब जरा बताओ MSME मंत्रालय किसके पास है, MSME मंत्रालय की बात करें किसके पास है, नितिन गडकरी के पास है क्या, नितिन गडकरी के पास है क्या, अगर हाँ तो जरा, कहाँ पे, नागपुर संसदीय क्षेत्र है इनका, है ना, नागपुर संसदीय क्षेत्र, बिल्कुल याद रखना। नृत्य शैली कुचिपुड़ी का उद्भव किस भाग से हुआ था, यानी हम समझ सकते हैं कि कुचिपुड़ी का जन्म किस भाग से, अगर ये भाग बोल रहा है दैट मीन्स साउथ इंडिया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के एक गांव से, कुचिपुड़ी नामक विलेज से, कितने, तो 8 क्लासिकल डांस हैं, 8 क्लासिकल डांस हैं की याद रखना, कितने क्लासिकल, 8 क्लासिकल डांस हैं भाग, ठीक है, 8 क्लासिकल डांस हैं, बिल्कुल याद रखना। भारत में वास्को डिगामा कब आया था, आसान सवाल। तो वास्को डिगामा की बात करें, मैं आपको बताऊं कि 1498 में कहां पे, कालीकट, जो केरल में है, जमोरिन ने वेलकम किया 1498 में, है ना, बहुत बढ़िया। किससे आया था बच्चे, उत्माशा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप, जिसकी खोज किसने की, बार्थोलोमियो डायस ने इसकी खोज की थी, ठीक है। आगे देखो, ब्रिक्स में बी किस देश को चिन्हित करता है, इन ब्रिक्स विच कंट्रीज यूनाइटेड बाय बी, देखो जिनका एग्जाम डेट नहीं आया है आराम से समझना, अपने मेल, अपनी ईमेल आईडी रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहें। तो ब्रिक्स की बात करें, BRICS, ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसका स्थापना 2006 में हुआ, पहला कॉन्फ्रेंस 2009 में हुआ, कहाँ पे, तो रसिया में, रूस के एकटरनबर्ग में, साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, और पहली बार कॉन्फ्रेंस में 2011 में शामिल होता है, कहाँ, चाइना के सान्या शहर में, और 2014 में NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की जाती है, इसे ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, और पहले अध्यक्ष के वी कामत है, जिसका हेडक्वार्टर संघाई है। बताओ, और कुछ सवाल छूटेगा, बताओ, है ना, क्लियर है। आगे देखो, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, एम्परर अशोका वाज द सक्सेसर ऑफ, क्या होगा, जल्दी बच्चे, सम्राट अशोक की बात करें किसके, बिंदुसार हैं। कई लोग बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज करते हैं, तब ये देख लो, जो बिंबिसार है
ये हरियक वंश का फाउंडर है, हरियक डायनेस्टी। आधा सोचना इस तरह आता हिंदी आधा इंग्लिश, क्या करें जो समझ में आए। लेकिन बिंदुसार का पाता पापा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद रहेगा तो याद रखना, चंद्र बिंदु से याद रखो, चंद्र और बिंदु, चंद्र और बिंदु। ठीक है, क्लियर है। 2014 में जो लोकसभा निर्वाचित हुआ है वो कितने नंबर की लोकसभा थी, कितने नंबर की लोकसभा थी? तो कौन था बच्चे? 16वीं लोकसभा, क्योंकि 2019 में 17वीं लोकसभा है। ये इलेक्शन 5 फेज में हुआ था और ये इलेक्शन 7 फेज में हुआ था। क्या होगा? 16वीं लोकसभा है ना। 17वीं कौन होगा? 17वीं 2019 का है, बिल्कुल याद रखना, भूलना मत। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था, यानी पुराने समय में गुवाहाटी शहर को हम किस नाम से जानते थे? जल्दी, तो गुवाहाटी जो ब्रह्मपुत्र के किनारे हैं, ब्रह्मपुत्रा के किनारे हैं, प्राग ज्योतिषपुर, प्राग ज्योतिषपुर ये राजधानी हुआ करती थी किसकी? कामरूप की, क्योंकि असम को पुराने समय में क्या बोलते थे? कामरूप बोलते थे। जैसे असम के कैपिटल देखोगे, अभी कैपिटल कौन है? दिसपुर है। अभी कैपिटल दिसपुर है, लेकिन पुराने समय में असम को हम कामरूप बोलते थे और कामरूप का कैपिटल प्राग ज्योतिषपुर हुआ करता था, जिसे हम गुवाहाटी कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? माँ कामाख्या टेम्पल यहीं है, समझ गए? आगे देखो तो प्राग ज्योतिषपुर है ना। ये एक्सप्लेनेशन देख लो कि पुराने समय में कामरूप साम्राज्य के तहत असम की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, आगे देखो। चेपू किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? चेपू जो यूनिक कल्चरल सिंबल, जल्दी तो बच्चे, चेपू नेपाल का एक सांस्कृतिक त्यौहार है, प्रतीक है। चेपू कहां का है? नेपाल का ही, याद रखना। चेपू कहां का? नेपाल का है ना। चेपू नेपाल का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है और आमतौर पर ये क्या है पता है? कि प्रवेश द्वार के रूप में वह मालिकों और जगह पर सुरक्षा लाने के लिए कहा जाता है ना। ये द्वार पे लगाया जाता है, कहाँ पे? तो गेट पे लगाया जाता है। ये कहाँ पे लगाया जाता है? गेट पे लगाया जाता है, कमरे के गेट पे। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल है, अब निकाल सकते हो। तो अहोम राजवंश की बात करें तो क्या असम, जहां का क्लासिकल डांस है सतारिया, जबकि यहां का जो फॉक डांस है वो बिहू है। क्या है? बिहू है ना, क्या है? बिहू है। आगे देखो, तो अहोम वंश की बात करें, वर्तमान असम भारत में लगभग 598 वर्षों तक अहोम साम्राज्य का शासन किया। और बच्चे, राजवंश की स्थापना किसने की थी? सुकफा द्वारा किया गया था, ये याद रख लेना। इसके द्वारा सुकफा द्वारा किया गया था ना। आगे, स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी, हु वाज द फर्स्ट रशियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी जोगिंदर, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, एक ही कमेंट ना, एक ही मतलब मैसेज बार बार टाइप ना करो, सीखने का कोशिश करो। अब लेट तो हो गया तो हो ही गया, इस चक्कर में सीख तो लो। तो स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले निकोलाई बुल्गारिन नवंबर 1955 में सोवियत प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गारिन ने भारत का दौरा किया था, भारत का दौरा किया, ये आपके सामने। ठीक है, याद रखना। शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है? आसान सवाल है, किस भाग में? बोन मैरो में,
चाहे वो आरबीसी हो, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, प्लेटलेट्स हो, तीनों का उत्पादन बोन मैरो में, लेकिन आरबीसी मरेगा कहाँ? लीवर में, लेकिन दफन कहाँ होगा? स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोलते हैं, आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं आरबीसी का। अरे सुमित भाई साहब, जो आज का एनालिसिस था मैंने करा दिया, ये एक्सपेक्टेड चल रहा है। तो सुनील भाई साहब आप जल्दी आइएगा, तभी तो पता चलेगा कि मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया हूँ। आप आते हो देर से, बताओ क्या करूँ मैं, है ना? ठीक है। बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है, हेडगियर है? सवाल नंबर नेक्स्ट, जल्दी। हाँ अस्थि मज्जा इसी को बोलते हैं बच्चे, जोगिंदर जी अस्थि मज्जा इसी को बोलते हैं। देखो अरुणाचल प्रदेश, देख रहे हो ये ऐसा पगड़ी है, मतलब ये आजकल की जो नेता हैं हमारे, वो जिस राज्य में चुनाव हैं वहीं की पगड़ी, वहीं की भाषा बोलने की कोशिश करते हैं। अभी देखो बंगाल में चुनाव है तो वहाँ पर खूब मिष्टी बोलची बंगाली का खूब प्रचलन होगा। तो आंध्र प्रदेश से देख सकते हो ये पारंपरिक है ना। तो क्या है बच्चे, उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश में नियासी समुदाय सबसे बड़ा जातीय समूह है, और बायोपा हेडगियर बेंत की टोपी के ऊपर हॉर्नबिल की चोंच, देख रहे हो हॉर्नबिल की चोंच और पंख अरुणाचल प्रदेश में काफी प्रसिद्ध है, नहीं है? आई बात समझ में? लोकेश जी अब नौकरी तो बढ़ नहीं रहा है, नौकरी तो दे नहीं रहे हैं, तो कम से कम दाढ़ी ही बढ़ा लें, है ना? आगे आ जाओ। एक वर्ष में लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन अ ईयर? एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, बताइए क्या होगा? नहीं हॉर्नबिल को मारते नहीं हैं, तो वैसे हॉर्नबिल जो मर जाता है, पंख वंख जैसे मोर का पंख कैसे यूज करते हैं वैसे हैं, है ना? तो बच्चे तीन सत्र होता है एक आमतौर पर, कौन कौन सा? तो सबसे पहले बजट सेशन जो सबसे बड़ा है फरवरी से मार्च तक, फिर मानसून सेशन जुलाई से सितंबर तक, और सबसे छोटा विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर तक। तो दो सत्र के बीच जो गैपिंग होता है बच्चे वो 6 महीने का होता है, 6 मंथ का गैपिंग होता है ना, 6 मंथ का गैपिंग होता है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है? ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? विथ विच स्पोर्ट्स इज द टर्म ब्लीडर एसोसिएटेड? ब्लीडर की बात करें तो किससे जुड़ा है बच्चे ब्लीडर? बॉक्सिंग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? बॉक्सिंग से जुड़ा है। किससे? 64 अटेम्प्ट किया है तो क्या होगा हेमलता जी? 64 अटेम्प्ट किए हो, अब किस बोर्ड से है वो डिपेंड करेगा बोर्ड से, है ना? डिपेंड करेगा बोर्ड से, अब क्या ही बोलूं। द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? मैं हमेशा कहता हूँ जिनका पेपर बचा हुआ है या जिनका पेपर हो गया है रिवीजन पे जोर दीजिए, रिवीजन पे जोर दीजिए, रिवीजन करिए, तब जाकर आपके सिलेक्शन बिल्कुल 100% होंगे, है ना? तो द बुद्ध एंड हिज धम्म की बात करें, बी आर अम्बेडकर है। कौन है? बी आर अम्बेडकर है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है बच्चे? बीआर अंबेडकर है। आगे देखो, तो बुद्ध और उनके धम्म, बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म पर एक ग्रंथ लिखा था बीआर अंबेडकर ने, और तो कब प्रकाशित हुआ ये पूछता है? 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु होती है, और 1957 में पहली बार प्रकाशित किया गया था। कब? 1957 में इशू किया गया था, इसे याद रखना, 1957 में इशू किया गया था। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी जाना नहीं, कि जो एसएससी कॉम्बैट हुआ था आपको याद होगा, एसएससी कॉम्बैट
एसएससी कॉम्बैट हुआ था, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एसएससी कॉम्बैट में, ये मैं बताऊंगा क्लास के बाद, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो कीड़ों के अध्ययन की बात करें, एंटोमोलॉजी, क्या ये एंटोमोलॉजी, यानी एंटोमोलॉजी मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के लिए कीटों और उनके संबंधों का अध्ययन है, उनके संबंधों का अध्ययन है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई। तो ये था आज का सेशन। अभी एसएससी कॉम्बैट में हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैं तुरंत बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि जो जिनका सीबीटी 1 हो जा रहा है वो सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, जहाँ हम एक नया कोर्स डिजाइन किया है, थ्योरी विथ एमसीक्यू, ठीक है भाई। और एसएससी में 8 मार्च से क्वालिटी लेकर आ रहे हैं बिल्कुल डिटेल में, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी जाना नहीं बच्चे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये याद रखना, ये 5 मार्च से निकल होगा। अभी से बताते हैं कैसे एसएससी कॉम्बैट में हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एसएससी कॉम्बैट में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी कॉम्बैट में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एसएससी कॉम्बैट में ज्वाइन करोगे तो कम से कम एक आइडिया रहेगा कि हमारी तैयारी कैसी है एसएससी के लिए। देखो एसएससी कॉम्बैट में कैसे ज्वाइन करेंगे, एसएससी कॉम्बैट में मैं कैसे ज्वाइन करूंगा मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो सबसे पहले मैं बताऊं कि बच्चे एसएससी में एसएससी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आप ये होगा कि जितने भी एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उन सभी क्लासेस आपको मिल जाएगी। जितने भी टॉप एजुकेटर देख रहे हो आप, देख रहे हो जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उन सभी क्लासेस मिल जाएगी। इसके बाद बच्चे सबसे बड़े फायदा कि 30+ अनलिमिटेड एक्सेस टू 30 बैचेज एवरी वीक, यानी प्रत्येक सप्ताह कई सारे बैचेज शुरू हो रहे हैं, 300+ क्लासेस मिलते हैं आपको, 70+ एजुकेटर हैं केवल केवल एसएससी में, ठीक है। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि एसएससी में मैं 8 तारीख से कोर्स लेकर आ रहा हूँ। कब से? 8 तारीख से कोर्स लेकर आ रहा हूँ। अभी देख सकते हो कि कई सारे बैचेस चल रहे हैं, देख रहे हो 3 मार्च से बैच शुरू हुआ था, यानी कल से बैच शुरू हो गया है, कई सारे बैच शुरू, कई सारी चीज़, फुल सिलेबस कवरेज फॉर एसएससी, टॉप एजुकेटर, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस टू टेस्ट, जितने चाहे उतने टेस्ट दे सकते हो आप। अब ये देख लो कि एसएससी कॉम्बैट आप कैसे दे सकते हो। अगला एसएससी कॉम्बैट 7 मार्च को होगा। अगला एसएससी कॉम्बैट कब होगा? 7 मार्च को होगा। कब होगा बच्चे? 7 मार्च को अगला एसएससी कॉम्बैट होगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो यूज कोड बाबा10 लगाकर, बाबा10 अभी इनरोल कर लो और अभी से तैयारी कर लो। कब है अगला? 7 मार्च को अगला टेस्ट है कॉम्बैट। कब है? 7 मार्च को कॉम्बैट है, तो याद रखना 7 मार्च को, ठीक है भाई। और अगर जो मेरे कोर्सेज आ रहे हैं एसएससी के, आप देख सकते हो कि 7800 फी है बच्चे 2 साल की, और 1 साल का 6500। जैसे आप कोड यूज करते हो बाबा10, 10% रिबेट होगा। और इससे फायदा क्या होगा कि बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे वो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो UPSI हो, या फिर आप बात करें SSC की, या बात करें स्टेट PCS की, या स्टेट लेवल एग्जाम की, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि लेट्स क्रैक इट बातें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं बच्चे मेरे स्पेशल क्लास आज 7:05 पे, स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पे, कितने पे? 7:05 पे, और रात में 10 बजे यूट्यूब पे, ठीक है भाई। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।